renowned scriptwriter, songwriter एंड इंटेलेक्चुअल जावेद अख्तर साहब. जावेद साहब, 2019 के इलेक्शन, जी आज का दूसरा चरण चल रहा है, जी अघोषित आपातकाल जैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं. हाउ डू यू सी दिस इलेक्शन? के वैसे तो खैर हर जनरल इलेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन ये इलेक्शन ख़ास तौर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए कि इसमें कुछ एक बुनियादी फैसले होने हैं और मुझे लगता है कि हमारे मुल्क को ये तय करना है कि उसको जाना किस डायरेक्शन में। एक तरफ पहले भी होते थे इलेक्शन लेकिन चॉइस इतनी शार्प नहीं थी, एक ही जैसी बातें करते थे लोग, तो सभी कहते थे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन अब एक साफ आपको एक आइडियोलॉजी दिखाई दे रही है जो इस मुल्क को किधर लेना चाहती है। आप उसे गलत समझे सही समझे, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल जो है वो एक हिंदू राष्ट्र है और उसको वो ठीक लगता है। तो अभी तो खुल के नहीं कहते, लेकिन जो कदम उठ रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, जो कि ड्रीम है राष्ट्रीय सेवक संघ का, वो यही है। और ये पार्टी इस वक्त जो है पावर में जो है वो उसको उस डायरेक्शन में ले जा रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उनका यह ख्याल है कि ये एक सेकुलर डेमोक्रेसी रहनी चाहिए जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक दिन में तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल जाना कि अगर ये जीत गए तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, ऐसा नहीं होना है। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में चलती रही बात, अगर इधर जाती रही, तो वो मंजिल बहुत दूर नहीं है कि जब इस तरह की बातें हो जाए। दुनिया में बहुत से मुल्क हैं जिनमें आपने ऐसा देखा है कि चलते चलते उन्होंने अपनी डगर इस तरह से बदली थी। ये उस तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। और दूसरी तरफ ये कदम है कि जहाँ आप चाहें कि आप जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको आप बचाएं। हालांकि मैं ये भी आपसे साफ कहूं कि जहां मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग ये चाहते हैं, वहां दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगा कि मुझे जो ये पार्टीज हैं उनसे भी शिकायत है कि उन्होंने आज तक अपने पूरे दिल से और पूरी सच्चाई के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के जो उसूल हैं उनको बचाने की कोशिश नहीं की, विपक्ष ने विपक्ष ने भी, और जब विपक्ष पक्ष में था तब भी नहीं की, तो वरना ये दिन देखना ना पड़ता उन्हें। तो अब हमारे जो जनता है उसको ये फैसला करना होगा कि भाई किधर जाना है, इधर जाना है या उधर जाना है, और जो भी जनता का फैसला होगा वो तो आपको हमें सबको मानना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो जब ये एक इम्परफेक्ट ऑपोजिशन आप देख रहे हैं, हमको भी बार बार ये सवालों का सामना करना पड़ रहा है कि ठीक है, बुनियादी चीज़ है, ठीक है, बहुत गहरा मतलब गहरे मुद्दों पे इलेक्शन होना चाहिए, मगर बाइनरी इज नॉट सो क्लियर. आपने जैसे कहा कि 10 साल पहले भी, मतलब जब पावर में थे तभी भी कई चीज़ें बुनियादी चीज़ें सेटल नहीं हुई थी या डीपर नहीं की गई, तो विपक्ष को किस तरह इसको सामना करना चाहिए जो नहीं कर रही है वो? देखिए क्या होता है कि मैंने देखा, जैसे मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ और जहाँ तक हो सके मुझसे कभी बनूंगा भी नहीं, इसलिए कि होता क्या कि आप किसी भी पार्टी के, वो लेफ्ट राइट सेंटर जहाँ की भी हो, जब आप उसके मेंबर हो जाते हैं तो फिर उसकी अपनी कोई क्लाइंटल होती है, उसकी अपनी कोई फॉलोइंग होती है जिसको वो संभाल के रखना चाहते हैं। तो कुछ बातें आप कह सकते हैं, कुछ बातें आप नहीं कह सकते, इसलिए कि वो पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं रहेगा। तो जहाँ मैं समझता हूँ जहाँ पार्टीज होनी चाहिए वहाँ टोटली इंडिपेंडेंट और फ्री ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन सिटीजन भी होना ज़रूरी है, ऐसे नागरिक भी होना ज़रूरी है कि जो हर बात खुल के कर सकते हो, उन पे ऐसी कोई कंडीशनिंग ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से केयर होनी चाहिए थी सेकुलरिज्म की, जिस तरह से केयर होनी चाहिए थी डाउन ट्रॉडन की, पिछले हुए तबकों की जो इकोनॉमिकली पीछे हैं, वो कभी नहीं हुई। सेकुलरिज्म का माने हम लोगों ने बहुत गलत समझ लिया। सेकुलरिज्म हम ये समझने लगे कि अगर हम दूसरे की फंडामेंटलिज्म को जगह दे देते हैं तो हम सेकुलर हैं, ये सेकुलरिज्म नहीं है। सेकुलरिज्म ये है कि चाहे वो माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो, चाहे आपकी अपनी कम्युनिटी हो चाहे किसी और की कम्युनिटी हो, वो जो काम गलत बात कर रहे हैं उसमें जो लोग, उनको आप खुल के बोलें। तो मुझे अभी भी हिंदुस्तान की सियासत में ऐसे लोग नहीं देखते, दुख की बात है, जो हर एक को साफ बोले,
कोई किसी को बोलता है, कोई किसी को बोलता है, कोई किसी की खराबी निकाल देता है, कोई किसी की खराबी निकाल देता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो सबको कहे ये तुमने गलत किया और ये तुमने गलत किया, ऐसा नहीं होता। तो ये फिर सेकुलरिज्म नहीं हुआ, ये तो सब बैलेंसिंग एक्ट हो गए। और यही हम करते रहे बातें गरीबों की, एजुकेशन की, विमेन की, लेकिन ग्राउंड पे जितना काम होना चाहिए वो हुआ नहीं है। और अब तो कमाल की बात ये है कि पहले कम से कम ये टॉपिक रहते थे, अब ये टॉपिक भी चले गए हैं। तो आज जी इस मुल्क में एक हफ्ते में जितनी औरतें माइनर मैटरनल कॉम्प्लिकेशन से, माइनर से मरती हैं एक हफ्ते में, यूरोप में एक साल में नहीं मरती हैं। आज दुनिया के सबसे ज़्यादा बेरोजगार हमारे मुल्क में हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा अंधे हमारे मुल्क में हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा टीबी पेशेंट हमारे मुल्क में हैं, हाईएस्ट नंबर, दुनिया में सबसे ज्यादा फिजिकली हैंडीकैप लोग हमारे मुल्क में हैं। और उस मुल्क में जब इलेक्शन हो रहा है ये मुद्दे तो इनमें से किसी टॉपिक का जिक्र ही नहीं है। आप ये देखिए कि आज भी करोड़ों बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल का गेट नहीं देखा है, जो एंटर ही नहीं हुए स्कूल में, जो ड्रॉप आउट है तो जाने दीजिए, वो टॉपिक नहीं है। हमारे यहाँ जो हेल्थ का एक सीरियस प्रॉब्लम है, कितने आज भी गांव हैं कि जहां पर कोई बीमार होता है तो उसे खटिया पे डाल के 5 किलोमीटर ले जाते हैं। तो आप बेसिक हेल्थ सेंटर नहीं है। आपके यहाँ जो किसान गेहूं चावल उगाता है उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज खुले मैदानों में सड़ जाता है। तो अब ये जो लोग बात कर रहे हैं कि हमें परवाह है, तो मैं तो जानना चाहूंगा उन लोग को तो पावर में नहीं है, उनसे क्या बात करनी जो पावर में है, कि आपने पिछले वर्षों में कितने गोडाउन बनवाए कि हिंदुस्तान का अनाज तबाह ना हो, आपने कितने हेल्थ सेंटर खुलवाए हैं उसकी बात कीजिए ना, बजाय इसके कि अब वो तो हमारे फौजी तो लड़ते ही रहे हैं और हमेशा चाहे वो 48 हो चाहे 65 हो 71 हो, हर बार उन्होंने बताया है कि उनका क्या लोहा है। तो वो उन्होंने जो सरहद पर किया, वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, वो तो ऐसा ही करते हैं, ये कोई नया काम नहीं, वो इतनी बहादुरी से काम करते हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि हम उनकी रक्षा नहीं कर पाते। ये पुलवामा में हुआ है, वो किसने कराया ये एक दूसरा टॉपिक है, लेकिन किया कैसे, सवाल ये है कि वो लोग जो हमारे सोल्जर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं तो उस वक्त तो वो बहुत मूड में नहीं है ना, कोई गने लिए थे नहीं घूम रहे, वो तो ट्रक में वैन में बैठ के जा रहे हैं, तो उनकी आप रक्षा नहीं कर सकते, ये सवाल होना चाहिए। और इसके अलावा इतने जो किसानों का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, विमेन्स प्रॉब्लम है, हेल्थ के प्रॉब्लम है, एजुकेशन के प्रॉब्लम है, इस पर कोई बात ही नहीं है, तो बात तो अभी कुछ और हो रही है, तो अब प्रायोरिटी कुछ और है, तो ये बड़ी डिस्टर्बिंग बात। जैसा 200-400 आर्टिस्ट ने, सिनेमा आर्टिस्ट, राइटर्स, लेखक, क्रिएटिव इंडिविजुअल्स ने एक खुला पत्र लिखा था कि आप किसी भी हाल में आरएसएस बीजेपी की सरकार को वापस न लाइए। दिस ये चर्चा का एक मुद्दा भी बना था और उसको लेकर कई काउंटर भी आए थे सरकार की तरफ से कि नहीं, हम चाहते हैं कि मोदी सरकार दोबारा बैठे। तो क्या आपको लगता है कि क्रिएटिव इंसान, मतलब आप वही दुनिया से आते हैं, क्या है ना क्रिएटिव पर्सन भी एक पॉलिटिकल? आपको एक बात बताऊं, ये आज नहीं सारी दुनिया में देख लीजिए और आज नहीं सदियों में देख लीजिए, राइट विंग जो है वो सब कुछ पैदा कर सकता है, क्रिएटिव लोग नहीं पैदा कर सकता। तो जो आर्टिस्ट होता है, पोएट होगा, राइटर होगा, जो भी कलाकार है, वो राइट विंगर नहीं होता है, वो एक आध आपको कहीं मिल जाएंगे भूले से, वो हो सकता है ढूंढ के आप निकालेंगे साहब ये है एक। तो लेकिन ये कि बाय एंड लार्ज जो दुनिया में, चाहे वो आप फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, आप जहाँ देखेंगे जो राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं, थिएटर के लोग हैं, एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, ये लोग बाई टेम्परमेंट लेफ्ट ऑफ द सेंटर होते हैं, यानी कि कम्युनिस्ट होते हैं मगर हमेशा लेफ्ट ऑफ द सेंटर ही होंगे। तो ये कोई हैरत की बात नहीं है कि
कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं, ज़्यादातर ऐसे ही होंगे, और ये जिन्होंने साइन किया है वो बहादुर लोग हैं। आजकल तो ऐसी बात करना खुल के ज़रा डर लगता है लोगों को, कब रेड हो जाए आप पे, कल आप पे कोई केस हो जाए, कल किसी परेशानी में पड़ जाए आप, तो कितने लोग होंगे जो नहीं कर सके, जिनका दिल तो चाहता है लेकिन शायद वो अपना गुस्सा उसमें पोलिंग बूथ के अंदर निकालेंगे। सो यू होपफुल जून जून 2019 में कुछ उम्मीद की किरण आपको नजर आ रही, मई जून में? अब उम्मीद तो सभी कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि मैं अकेला बैठ के उम्मीद करूंगा, सभी उम्मीद करते हैं, लेकिन ये कि मैं देखना चाहूंगा, मैं बहुत क्यूरियस हूँ देखने को कि हमारे जो आम इंसान हैं वो क्या फैसला कर रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं। ये हम लोग सब गेस करते हैं, लेकिन वो मालूम तो आपको 23 मई को होगा, और देखते हैं। टेलीविजन मीडिया, आखिरी सवाल, टेलीविजन मीडिया गए 5 साल में हैज स्टूप टू एन ऑल टाइम लो, इट इज बीइंग सेड। कमर्शियल चैनल्स जिसको आप कहेंगे, मीडिया जिसको कहेंगे, इस तरह का दबाव 1975 और 77 के बीच में भी नहीं था, ऐसे लोग। खैर उस वक्त तो जाहिर है कि कम्युनिकेशन इतना नहीं था, इतने वो नहीं थे ज़राए कम्युनिकेशन के, चैनल्स तो थे ही नहीं, अगर होते तो पता नहीं क्या होता इमरजेंसी के ज़माने में उनका, शायद ऐसा ही होता जैसा आजकल है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एंकर जो है, एंकर इज सपोज टू बी अ न्यूट्रल पर्सन, तभी तो उसे एंकर बोलते हैं, कि वो दोनों पक्षों की राय को बैलेंस करके सुनाए कि भाई ये लोग ये कह रहे हैं, ये लोग ये कह रहे हैं। हमारे यहाँ जो एंकर्स हैं वो कमिटेड लोग हैं, ये खराब बात है, चाहे वो लेफ्ट से कमिटेड हो या राइट से कमिटेड हो, आप अगर एंकर हैं तो यू हैव टू बी न्यूट्रल, और आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें, आपका काम ये है। आप प्रोपेगेंडा चैनल नहीं है, आप इंफॉर्मेशन के चैनल है, तो इन्फॉर्मेशन आप दें कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं, कुछ लोग ऐसा समझते हैं, लोग फैसला करेंगे खुद। लेकिन हमारे जो एंकर हैं ज़्यादातर वो तो वो कह रहे हैं मोर लॉयल देन द किंग है, तो ये तो एंकरशिप ही नहीं हुई, ये बुलाते हैं लोगों को, मैं तो जाता नहीं उन चैनल पे, बुलाते हैं उन्हें बोलने ही नहीं देते, तो फिर तुम बुलाते क्यों, अकेले बैठ के बात करो, तुम तो पॉपुलर आदमी हो, तुम अकेले भी बोलोगे सब सुनेंगे तुम्हारी बात, तो ये ऐसा क्यों करते हो कि तुम किसी को बोलने नहीं देते, और सही है इसलिए कि तुमसे ज़्यादा अकलमंद तो कोई नहीं होगा ना, तो ज़रूरत क्या है लोगों को बुलाने की, मेरी यही समझ में नहीं आता। भाई आप बैठिए आराम से शाम को और एक दो एक घंटे ज्ञान दीजिए अकेले बैठ के, और कहिए कि भाई कल मिलेंगे फिर, खत्म बात। भोपाल में जी इस बार एक आई थिंक अ लिमिट हैज बीन क्रॉस्ड अक्रॉस ऑल लिमिट्स, कि मतलब जो भारतीय जनता पार्टी ने कल या परसों जो एक उम्मीदवार डिक्लेयर किया है प्रज्ञा सिंह, साध्वी प्रज्ञा जी का, दिग्विजय सिंह के सामने जी जी। तो वो तो शायद चार्जशीट क्या है, मालेगांव का ट्रायल कहाँ होगा, एनआईए ने अपना मामला खुद पलटा दिया। एक जनरल इम्प्रेशन ये क्रिएट किया गया है कि वो इक्विट हो चुकी है, जो कि वो नहीं हुई है, एनआईए की पूरी कोशिश के बावजूद भी नहीं हुई है, वो बेचारों ने पूरी कोशिश की अब नहीं हो पाया, वो कोर्ट ने जरा कुछ अड़ंगा लगा दिया, तो अभी भी उन पे केसेस हैं, और जो केसेस हैं और जो एलिगेशन हैं वो सच हैं क्या गलत हैं, इसका फैसला आप नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, वो कोर्ट ही करेगी और कोई और भी नहीं कर सकता, ये कोर्ट के हाथ में है, लेकिन ये केस ऑन है, ये इल्ज़ाम अभी लगा हुआ है। इस तरह के इंसान को अगर आप अपना कैंडिडेट बनाते हैं तो मुझे लगता है कि एक तरह से अच्छा भी है, बात साफ हो गई, ये समझ में आ गया कि आप क्या हैं और आप चाहते क्या। अगर आप इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाने को तैयार हैं बगैर वेट किए कि इनको क्लियरेंस मिल जाए, हिंदुस्तान की अदालत इनको निर्दोष कहे, उसने नहीं कहा है, मगर आपको ये पसंद है, क्यों पसंद है आपको, आपको इनमें क्या गुण दिखता है। मैं एक बात किस्सा सुनाता हूँ आपको, बल्कि आप तो थी वहां पर, एक मरतबा हम लोग एक फंक्शन में गए, हम तो गए थे भाई अच्छी बात करने के लिए, वहां एक मौलाना खड़े हो गए, और मौलाना उस वक्त तक ये पकड़ा नहीं गया था उसामा,
तो वो तकरीर करते करते वो कहने लगे कि साहब ये बताइए, इल्ज़ाम तो उसामा पे कोई साबित नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि वो टेररिस्ट है, लेकिन अमेरिका ने कह दिया टेररिस्ट है तो सब मान गए और उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। मैंने सुनी ये बात, तो मेरी जब बारी आई तो मैं बोल रहा था, तो मैंने कहा मौलाना ने एक बात कही कि उसामा जो है वो टेररिस्ट नहीं है और साबित नहीं हुआ है और आप उसको टेररिस्ट कहते हैं, तो मैं मौलाना की बात मानने को तैयार हूँ। मैं मानने को तैयार हूँ कि उसामा टेररिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो 9/11 तो छोड़िए, जो आप कह रहे हैं ना कि उसने नहीं किया है, उसने तो आज तक कोई टेररिज्म का काम ही नहीं किया, मान गया मैं। अब एक बात बताइए कि आप लोग अपने घर में और अपनी दुकान पे, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं और पोस्टर बड़े बड़े उसामा के लगाते हैं, तो उसने दहशतगर्दी तो की नहीं है, टेररिज्म तो किया नहीं है, कुछ तो किया होगा ना जो आपको अच्छा लगता है, वो क्या है? उसामा ने ऐसा क्या किया है जो आपका हीरो है? टेररिज्म नहीं किया, मान गया। और आप पूछिए तो मैं बताता हूं कि क्या किया है उसने। उसने टेररिज्म किया है, 9/11 किया है उसने, और यह आप बात दिल से मानते हैं कि उसने किया है, इसीलिए वो आपको अच्छा लगता है, वरना आप उसे अपना हीरो ही नहीं बनाते। उसने इसके अलावा किया क्या है, ये हीरो क्यों बना है? यही किस्सा जरा इधर अप्लाई करके देख लीजिएगा। गोडसे का इसी ये तो तरह मैंने स्टेज पे खड़े होकर बोला था, मेरे पास उसका वीडियो है, जिन साहब को देखना हो दिखा दूंगा, कि तुम लोगों को जिन्हें उसामा पसंद है, पसंद ही इसलिए है कि तुम्हें यकीन है कि 9/11 इसी ने किया था, तुम्हें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, तुम कन्विंस हो तभी तो तुम्हें अच्छा लगता है। ऐसे क्या गुण है ये साध्वी जी में जो इतनी पॉपुलर है, इतनी अच्छी लगती है? इस सवाल का जवाब आप मुझे मत दीजिए, दिल में सोच लीजिए। तो ये थे जावेद साहब, जावेद अख्तर साहब, जिन्होंने बहुत ही कड़वे शब्द में दोनों तरफ की फिरका परस्ती के खिलाफ वापस एक आंखें खुल के बात की। जो लोग नथुराम गोडसे को आज भी पूछते हैं, नथुराम गोडसे के भी मंदिरों बनाते हैं और दूसरी तरफ ओसामा बिन लादेन की। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब।